स्वागत है गाइस, आज की वीडियो में आज हम रिव्यू करेंगे टेनेट मूवी का। एक शॉर्ट सा रिव्यू होगा, तो वीडियो एंड तक देखना और ऐसे भाग मत जाना बीच में। Why are you running? तो पहले मैं आपको थोड़ा मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, मूवी की कास्टिंग वगैरह, रन टाइम वगैरह बताता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी का रन टाइम है ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का। उसके बाद मूवी की मेन कास्ट की बात करें तो एलिजाबेथ डेबस की मेन फीमेल कैरेक्टर है, जॉन डेविड वाशिंगटन मेन मेल कैरेक्टर है। उसके बाद अपना रॉबर्ट पैटिनसन है जो कि ट्वाइलाइट मूवी में देखने को मिलता है। उसके बाद डिंपल कपाड़िया अपनी इंडियन एक्ट्रेस है, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें दिखाया गया है। मूवी के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इंसेप्शन, द डार्क नाइट और इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ को डायरेक्ट किया हुआ है। मूवी की रेटिंग्स की बात करें तो IMDb ने 7.7 दिया हुआ है, रोटन टमाटोज ने 71% और मेटाक्रिटिक ने 69%। चलिए अब इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो गई, अब हम रिव्यू करते हैं। तो चलिए मूवी का प्लॉट बताता हूँ। मूवी का प्लॉट इस तरह का है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है टेनेट नाम की। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है दुनिया को ख़त्म होने से बचाना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक CIA एजेंट को हायर करती है World War III को रोकने के लिए। इस मूवी का एक डायलॉग है, यू आर नॉट फायरिंग द बुलेट, यू आर कैचिंग इट। तो इस मूवी को कैच करने में आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट टाइम होने वाला है। एक बार देखने से ये मूवी समझ में नहीं आने वाली, खासकर मुझे तो नहीं आई और तो मोस्टली जितने भी रिव्यूज देखे किसी को एक बार में देखने से समझ नहीं आने वाली। एक बात बता दूं कि ये मूवी 4 दिसंबर को इंडिया में रिलीज हो चुकी है, तो इस टाइम पे ये मूवी सिनेमाज में चल रही है। इस मूवी को 2 या 3 बार देखना पड़ेगा और सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ेगा, तभी जाके कुछ समझ में आने वाला है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या क्रिस्टोफर नोलन जानते नहीं थे कि एक कॉमन ऑडियंस को इसको देखने के लिए, समझने के लिए 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, या फिर जानने के बावजूद उन्होंने ऐसी मूवी बनाई कि ऑडियंस को बार बार आके देखनी पड़े। पैसा ही पैसा हो गया। तो मूवी की स्टार्ट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लगती है। मूवी की डायलॉग डिलीवरी वगैरह भी कुछ खास नहीं होती है, जो कि मोस्टली कैरेक्टर्स मास्क में होते हैं। और ऑल्सो उसकी जो साउंड है, साउंड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा लाउड है, पूरी मूवी में लाउड है और स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, और यही लाउड साउंड इफेक्ट्स डायलॉग डिलीवरी को ओवर शैडो कर देते हैं। फर्स्ट हाफ के बाद मूवी थोड़ी सी सेंस बनाती है, मूवी में जो कड़ियाँ हैं वो टूटती हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि मूवी में एक्चुअली हो क्या रहा है। Yeah, boy. तो स्टार्टिंग में शायद आपको डिसअपॉइंटिंग लगे मूवी, लेकिन एंड तक जाते जाते आपके आपके ऊपर ग्रो करेगी मूवी, आपको समझ में आने लगेगी, तो आपको मूवी मास्टरपीस लगेगी। इस मूवी को फर्स्ट टाइम देखने पे आपके दिमाग का कुछ ऐसा हाल होगा। बट जब आप लोग इस मूवी को 2 या 3 बार देखोगे, सब कुछ समझ में आने लगेगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। Let me put in a language you can understand. तो यार मोस्टली जो ऑडियंस होती है वो मूवी या किसी भी टीवी शो को फन या एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो ये मूवी जो है इसमें माइंड का यूज करना पड़ता है। तो यही कह सकता हूँ कि ये मूवी 5 या 6 साल अहेड ऑफ इट्स टाइम है, तो यही मूवी को देखना तो ज़रूर चाहिए। मूवी एक मास्टरपीस है, बस समझ में आ जाए तो आपको 2 या 3 बार देखनी ही पड़ेगी। इस मूवी की क्रोनोलॉजी है ना, वो इंसेप्शन से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्रोनोलॉजी क्या होता है कि जैसे कौन सा सीन पहले है, कौन सा सीन बाद में है, ये पहले वाला था या ये बाद वाला था, वो सब। तो चलो यार, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने मूवी देखी या नहीं देखी, और अगर देखी है तो कैसी लगी जरूर बताना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।